कंध ते पेशाब करन पिछे एक शख्स का बड़ी बेरहमी दे नाल कतल किया गया। दस दिए कि आंडियां दी रेहड़ी लगा रहे मजदूर का कतल होया। इल्जाम ने कि उसने कंध ते पेशाब किया सी तां एक शख्स दे वल्लों बड़ी बेरहमी दे नाल उसनू मौत दे घाट उतारिया गया। दस दिए कि परिवार दे सत जीआं दा ढिड भरदा सी इह मृतक ते हुण घर दे विच कमाउण वाला कोई भी नहीं रहा। यमुनानगर दे विच मामूली गल दे पिछे इस व्यक्ति दा कतल किया गया। इल्जामां दे विच एक शख्स घिरिया जिस ते इल्जाम लगे ने कि उसने थप्पड़ मारे। हस्पताल जांदे दी रस्ते दे विच मौत हो गई। मामला यमुनानगर दे हनुमान गेट दा है जिथे एक शख्स आंडियां दी रेहड़ी लगाउंदा सी। उस ते आरोप लगे कि उसने कंध ते पेशाब किया। इस गल नूं लैके नीलू राणा नां दे व्यक्ति दे वल्लों कुटमार की गई। पुलिस के मुताबिक नीलू राणा नां दे शख्स ने उसते थप्पड़ मारे जिस दे नाल उसकी मौत हो गई। तो पीड़ित परिवार के वलों इंसाफ की गुहार लगाई गई। तो मामूली गल के पिछे महज कंध ते पेशाब किया जिस तों बाद एक शख्स के वलों मजदूर दे दिहाड़ीदार जो आंडिया की रेहड़ी लगाउंदा सी उसते थप्पड़ मारे जिस दे नाल उसकी मौत हो गई। अरे बातरू करा मेरे किसी के बातरू करा मेरे घर वाला मारा। कब मारा? सोमवार के मारा। तो किसने मारा? बिनु राणा। जिस सोमवार के मारी लड़ाई चल रही है ये बाथरूम किसी और ने करीब आके हाथ है तबाही पापा के करीब गई है। वो मारे गए बिंटे से। किसने मारा? लिल्लू ने। कब मारा था? जी ये मारा था सोमवार को। मारे सोमवार को मेरी लड़ाई चल रही है। ये अस्पताल लेके गए चुके हम चंडीगढ़ ले जा रहे थे। डेड हो गई थी रास्ते में। डेड हुई कल हुई थी जी। अब आप क्या चाहते हैं जी? हम ये चाहते हैं ना मैं इशारा चाहिए जी। शिकायत दे दिया आपने? हाँ जी सर। घर में कौन कौन है जी? हम कोई नहीं जी, तीन बहन है, तीन भाई हम और मम्मी है। हाँ जी, जो मैंने देखने वाला था पापा वो चली गई। मैंने क्या काम करते थे जी? पापा के ना मैं अंडे की रेडी लगाते थे जी। जो अंडे वाला है इसको कुछ लोगों ने मारा और उसकी मौत हो गई है, क्या इस पे जानकारी? कहा कुछ लोगों ने मारा बाहर जो उनकी वाइफ बोल रही है। मारा नहीं, बिल्लू राणा ने थप्पड़ मारा उसको। अच्छा जी, ये मामला है। थप्पड़ मारा वो बाथरूम कर रहा था। थप्पड़ मारने के बाद उसको हॉस्पिटल में गया। उसके बाद उसको दो चोटें ब्लंट आई हैं और उसके पीजीआई चले गए। वो पीड़ित भी है, पहले भी बीमारी से नहीं पता लगा। लेकिन जो पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जो पोस्टमार्टम का रिजल्ट होगा कार्रवाई में मिलेगी। परिजनों का कहना है कि उसे किसी चीज से मारा है जिससे उसके सिर पे और एक जगह और भी चोट लगी है। अभी किसी माफा कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई जिससे किसी चीज से मारा हो। जो मौके की तस्दीक से जो जितने सब वहाँ रेडी लगा और वो दो तीन खोखे भी है वहाँ, उनसे भी यही पता कराया। अभी बाथरूम करा था, बाथरूम करने के एवज में उसको विरोध कराया, उसको थप्पड़ मारा। तो जो आरोपी है, जिस पर आरोप है जिसने थप्पड़ मारा, क्या उसे हिरासत में लिया गया या अभी जान लेंगे? अभी पोस्टमार्टम में लेगा, रास्ट में लेगा। अभी गिरा है रास्ट में ले। अभी तो रिजल्ट की बात है, अभी पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट ली, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई में मिला जाएगी। धन्यवाद सर।